और साथियों, मत भूलिए कि आज आप जिस राज्य में बैठे हैं उसकी आबादी करीब करीब 25 करोड़ है। दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत की तरह ही आज यूपी में एक बहुत बड़ी एस्पिरेशनल सोसाइटी आपका इंतजार कर रही है। साथियों, आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है। इस कारण आज यहां समाज सोशली एंड फाइनेंशियली बहुत अधिक इंक्लूसिव हो चुका है, कनेक्टेड हो चुका है। एक मार्केट के रूप में भारत अब सीमलेस हो रहा है। सरकारी प्रक्रियाएं भी सरल हो रही है। मैं अक्सर कहता हूं कि आज भारत आउट ऑफ कंपल्शन नहीं बल्कि आउट ऑफ कन्विक्शन रिफॉर्म करता है। यही कारण है कि भारत 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म कर चुका है, दर्जनों पुराने कानूनों को खत्म कर चुका है। साथियों, आज भारत सही मायने में स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल पड़ा है। एक बहुत बड़े वर्ग की बेसिक जरूरतों को हमने पूरा कर लिया है, इसलिए वो एक लेवल ऊपर की सोचने लगा है, आगे की सोचने लगा है। यही भारत पर भरोसे का सबसे बड़ा कारण है। साथियों, कुछ दिन पहले भारत सरकार का जो बजट आया है उसमें भी आपको यही कमिटमेंट साफ साफ दिखेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च आज सरकार कर रही है और हर वर्ष इसको हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के नए मौके बन रहे हैं। आज आपके लिए हेल्थ, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के भी अनेक अवसर हैं। ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है उसमें तो मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। इस वर्ष के बजट में 35,000 करोड़ रुपए तो हमने सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रखे हैं। ये दिखाता है कि हमारा इरादा क्या है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हमारे इसी इरादे को बुलंद करता है। इस बजट में इससे जुड़ा पूरा इकोसिस्टम विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नई सप्लाई और वैल्यू चेन हम विकसित कर रहे हैं।